हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो शेयर मार्केट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे यस बैंक की। तो दोस्तों, यस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया, ये देखिए मार्च 2021 का। तो इससे हम कंपेयर करेंगे मार्च पर दिसंबर 2020 से। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। ये ऑलरेडी देखिए मैंने दिसंबर वाला जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो उसको एक एक्सेल पे कॉपी करके अलग से कॉन्फिगर कर रखा है। और अभी जो मार्च वाला है ये देखिए मैंने इसको अभी ओपन किया है। तो हम एक एक चीज यहाँ से एक्सेल से मतलब दिसंबर वाले से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं म्यूचुअल फंड। ये कौन सा है, ये देखिए दिसंबर, दिसंबर में टोटल म्यूचुअल फंड थे 24, ठीक है। और टोटल ये देखिए परसेंटेज है कि पूरा जो टोटल होल्डिंग है उतने कितने परसेंट ये जो है होल्ड करते हैं। तो दिसंबर में टोटल 24 म्यूचुअल फंड थे और 0.32% होल्ड करते थे। और अभी देखिए कितने हो गए हैं मार्च में, 23 म्यूचुअल फंड लगभग बराबर हैं और 0.30% है। पहले कितने थे 3.2, अभी कितने हैं 3.0। उसके नीचे आते हैं दोस्तों अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। चार इन्वेस्टमेंट फंड थे दिसंबर में, अभी कितने हो गए हैं 3, थोड़े से कम। कम भी बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते लेकिन ठीक है, थोड़ा सा कम हुए हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिसंबर में कितने थे 410, अभी कितने हो गए 420। तो ये FPI जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बढ़े हुए हैं। टोटल शेयर होल्डिंग परसेंट 13.77% है और यहाँ पे पहले 15% थे। तो दोस्तों एज ए परसेंटेज देखा जाए तो थोड़ा सा कम हुए हैं लेकिन माइनूट सी चेंजिंग है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बैटरी होल्डिंग देखिए पहले कितना था 7.48%, अभी कितना है 6.03%। हल्का सा इन्होंने फिगर आउट किया है, थोड़ा सा इन्होंने कम किया है बैटरी। अमाशा कैपिटल ने 1.24% था दिसंबर में, अभी कितना है 1.24% मार्च में। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक सब देखिए सिर्फ सेम ही है। हर एक बंधन बैंक 1.2%, ये देखिए बंधन बैंक 1.2%, आईडीएफसी बैंक 1.15%, आईडीएफसी बैंक 1.1, तो ये सब उतने भी बराबर बने हुए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लगभग 0.5%, ये देखिए लाइफ इंश्योरेंस 0.5% ये बना हुआ है, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर 1.60%, सेम है 1.60%। HDFC लाइफ इंश्योरेंस 1.37%, HDFC लाइफ इंश्योरेंस 1.37%, ठीक है। तो लगभग दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग सेम है। और भी एक एक चीजें करके हम देखते हैं। एक चीज आप देख लीजिए कि ये रिटेल शेयर होल्डर, तो रिटेल जो है पहले जो दो तरह कैटेगरी है जिसमें एक जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से कम है वो 21% थे कब दिसंबर में, अभी कितने हो गए ये देखिए, अभी कितने हो गए, अभी है 23%। पहले कितने थे ध्यान दीजिएगा, ये 21% अभी मार्च में हो गए 23.5%, मीन्स लगभग 22 2% के अराउंड इंक्रीज हुआ है। कुछ खास नहीं, मतलब पहले कुछ 53 करोड़, मतलब कि 531 करोड़ शेयर से अभी 585 करोड़, ठीक है, लगभग 60-70 करोड़ शेयर और रिटेल शेयर होल्डर उठाए हुए हैं। अब देखिए दूसरी कैटेगरी रिटेल की, जो 2 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं वो 5.43% कितने थे मार्च में, सॉरी दिसंबर में, अभी कितने हो गए 5.77%। तो माइनूट सा इंक्रीमेंट है, कुछ ज्यादा खास नहीं फ्रेंड्स। एनबीएफसी पहले कितने थे ये देखिए, 16 NBFC थे, 0.08% का इन्वेस्टमेंट था, अभी कितने हैं एनबीएफसी रजिस्टर्ड RBI 16 अब भी है लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट 0.25% है। शेयर्स में देखें तो पहले लगभग 2 करोड़ 11 लाख, मीन्स 21 करोड़ शेयर एनबीएफसी पहले उठाए थे, अभी कितने हैं मार्च क्वार्टर में 61 करोड़। तो एनबीएफसी जो है और भी अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ाए हुए हैं इसमें। तो दोस्तों ये पूरी एक चीज है, मिली जुली चीजें हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं। ईबेस जो टिल्डन पार्क है उन्होंने थोड़ा सा अपनी होल्डिंग देखिए कम की हुई है, जिसमें अभी आप देखिए बैटरी इसे टिल्डन पार्क में इन्होंने जो है 6.03% अभी रह गया है मार्च में, पहले कितना था ये देखिए, ये दिसंबर का मैंने लगाया हुआ है और दिसंबर में ईबे 7.48% थे, अभी कितने रह गए हैं
6.03%। तो ईबे ने हल्का सा कम किया है, बाकी एफपीआई ने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है और एनबीएफसी वाले बढ़ाए हुए हैं, रिटेल का थोड़ा सा पोर्शन बढ़ा हुआ है। तो म्यूचुअल फंड में दोस्तों इसमें अभी कुछ खास नहीं, म्यूचुअल फंड वगैरह सेम है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अगर कुछ थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है दिसंबर से अभी इसमें। अभी क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, तो क्वार्टर रिजल्ट में फ्रेंड्स अभी देखते हैं क्या होने वाला है क्वार्टर रिजल्ट में। क्वार्टर रिजल्ट में अगर अच्छा प्रॉफिट देगा तो ठीक है, शेयर आगे बढ़ेगा, नहीं देगा तो फिर, लेकिन मेरा मानना है कि रिकवरी वगैरह अच्छी हुई है तो रिकवरी जो है कम से कम अच्छी होने पे थोड़ा सा परसेंटेज होना चाहिए। और मेरा मानना है कि Q4 के रिजल्ट के बाद ये जो है 20 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देना चाहिए ऑन स्पॉट बेसिस पे, फिर इसका जो है 20 के नीचे का कोई फॉलो बन नहीं पाएगा। अभी थोड़ा सा आज के चार्ट पैटर्न तो देख लेते हैं निफ्टी की साइड पर फ्रेंड्स। ₹14.20 क्लोजिंग हुई है, लगभग 2.5% की प्रीवियस क्लोज 1460। आज मार्केट भी लगभग 300 पॉइंट निफ्टी डाउन था फ्रेंड, उसके चक्कर में थोड़ा सा इसमें सेलिंग प्रेशर आया सभी बैंकों में। 48% की डिलीवरी हुई है और देखिए 7,50,69,000 जो है शेयर जो है ट्रेड हुए हैं, 3 करोड़ जो है शेयर उठाए गए हैं डिलीवरी के लिए, तो 41% की डिलीवरी इसमें उठी हुई है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी थोड़ा सा 1-2 दिन वेट कर लेते हैं, तो बीएसई की साइट पे यस बैंक अपडेट करेगा कि इसका क्वार्टर रिजल्ट कब आने वाला है। तो जिस दिन जो है अपडेशन का वो टाइम आएगा तो थोड़ा सा मूवमेंट आना चाहिए इसमें। और बाकी तो पिछली बार इसमें आपको मालूम होगा क्वार्टर 4 में, मार्च क्वार्टर में लगभग इन्होंने बीएसई को बताया हुआ था 55% का इसमें डिपॉजिट ग्रोथ हुआ था। तो इस हिसाब से अगर ऑपरेशन से 300-400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मिल जाता है, 400-500 करोड़ रुपए का, और रिकवरी अगर 1,000 करोड़ रुपए की हो जाती है तो 1,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इसको दिखाना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें एक चीज और देख लेते हैं, हिस्टोरिकल डेटा 1 मंथ का। ये देखिए 19 अप्रैल को 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 16 को 6 करोड़ का वॉल्यूम, 5 को 5 करोड़, 7 करोड़, और 12 अप्रैल को एक वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा था 12 करोड़ का। उसके पहले देखिए 31 मार्च को 20 करोड़ का, और ये 30 मार्च को 33 करोड़ का वॉल्यूम था। ये 30 मार्च दोस्तों वही दिन है जिसने अपर सर्किट मारा था इसमें ₹16.80 का, तो उस दिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा हुआ था। उसके अगले दिन जो है फिर से थोड़ा सा उससे कम वॉल्यूम था, लेकिन एवरेज जो है ज्यादा था, लेकिन तब से शेयर वहीं पे मूवमेंट कर रहा है, थोड़ा नीचे ही आया हुआ है ₹16 से, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं है। तो दोस्तों ये Q4 रिजल्ट इसका बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, फिर वहां पे देखते हैं क्या मूवमेंट इसका बनता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।